नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल स्टूपिड टेक में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को गूगल अकाउंट में कैसे मैनेज कर सकते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि आप अपना कॉन्टैक्ट सेव करते हैं और आप सोचते हैं कि वो आपके गूगल के अकाउंट में, और जब आप फ़ोन स्विच करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट्स नहीं मिलते हैं। होता क्या है, कई बार आप अपने कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन में ही सेव कर लेते हैं या सिम में सेव कर लेते हैं, और इसके कारण आपके वो कॉन्टैक्ट्स जब आप अकाउंट स्विच करते हैं या फ़ोन स्विच करते हैं तो वो आपको नहीं मिलता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मैं कोई नंबर, एक रैंडम नंबर में यहां पे लिख रहा हूं और मैं अगर इसको सेव करने जाता हूं तो मैं क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा। क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं, यहां पे फोन कॉन्टैक्ट करके एक ऑप्शन आता है। इसे आप चेंज करके हमेशा अपने गूगल अकाउंट को सेलेक्ट करिए। सिम वन सिम टू मत सेलेक्ट करिए, बल्कि गूगल अकाउंट सेलेक्ट करिए। इससे आपका जो कॉन्टैक्ट होगा वो हमेशा आपके गूगल अकाउंट में ही सेव होगा और कहीं भी नहीं सेव होगा। अब मान लीजिए, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने ध्यान नहीं दिया और आपने फ़ोन में ही सेव कर लिया। मैं इसका नाम कुछ रैंडम सा रख देता हूँ, तो इस तरह का नाम मैं एक बार रखता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब जो नंबर हम लोगों ने अभी सेव किया, अगर उसे हम सर्च करें तो वो हमें मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप एडिट में जाते हैं तो ये देखता है, ये दिखाता है इम्पोर्टेड फ्रॉम फोन, और यहाँ कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप इसे अपने गूगल अकाउंट में सेव कर सके। तो अब मैं उसका तरीका बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ये पता करने के लिए कि हमारे कौन से कॉन्टैक्ट गूगल अकाउंट में है और कौन से कॉन्टैक्ट फोन पे या सिम पे सेव है, उसके लिए आप अपने कॉन्टैक्ट बुक में जाइए। नाम कुछ अलग हो सकता है फोन के हिसाब से। उसके सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले प्रेफरेंसेस खोजिए। ये फोन टू फोन चेंज करेगा, बट ओवरऑल ऑप्शन सही होंगे, थोड़ा सा आपको देखना होगा। इस जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फोन में 6 कॉन्टैक्ट सेव है, आपके सिम वन और सिम टू में 7-7 कॉन्टैक्ट सेव है। तो सबसे पहले मैं चूज करूंगा फोन, और यहां आप देख सकते हैं जो भी कॉन्टैक्ट्स मेरे फोन पे सेव है सिर्फ वही दिखा रहे हैं। ये करने के बाद अब मैं मोर पे जाऊंगा और आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। हमें ये कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट करके अपने गूगल अकाउंट में डालना है, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट टू स्टोरेज, एक्सपोर्ट टू सिम वन, सिम टू शेयर कॉन्टैक्ट। हम करेंगे एक्सपोर्ट टू स्टोरेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके फ़ोन पे एक छोटा सा फाइल बना के रख देगा, और बाद में हम उसी फाइल को इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज करके अपने गूगल अकाउंट में सेव कर लेंगे। तो अब हम इसे एक्सपोर्ट टू स्टोरेज करते हैं, और देख सकते हैं यहाँ एक नाम होगा, इस नाम को ध्यान रखिएगा 0002.vcf। तो अब हम एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट करिए फ़ोन। तो आप सिर्फ फोन के कॉन्टैक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करेंगे। इसे ओके करिए और ये आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इन कॉन्टैक्ट्स में से कुछ कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर देते हैं फोन में से। तो मैं इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अब ये दो कॉन्टैक्ट हमारे डिलीट हो गए। अब हम यहाँ मोर पे क्लिक करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाएंगे, और हम करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज। इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज करिए, और आप देख सकते हैं यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स टू। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आपको सारे कॉन्टैक्ट्स को गूगल अकाउंट में इंपोर्ट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए। और यहाँ आपको जितने भी आपने एक्सपोर्ट किए गए फाइल थे वो सारा यहाँ दिखाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो 0002 वाला हमारा था, इसको आप सेलेक्ट करिए और इसे ओके कर दीजिए। अब हम बैक जाते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो वाले कॉन्टैक्ट्स नहीं है हमने जो डिलीट किए थे। अब मैं मोर में जाके डिस्प्ले प्रेफरेंसेस पे जाता हूँ और ऑल कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, और उन कॉन्टैक्ट्स को जो मैंने अभी डिलीट किए थे और वापस इम्पोर्ट किया उसे सर्च करता हूँ SF। अब यहाँ टैप करिए, देख सकते हैं कॉन्टैक्ट आ चुका है। अब आप इसे अगर एडिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट कहां से हुआ है, ये आपके गूगल अकाउंट से इंपोर्ट हुआ है। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपना कोई भी कॉन्टैक्ट जो आपके फ़ोन पे या सिम कार्ड पे स्टोर हो गया है उसको अपने गूगल अकाउंट पे डाल सकते हैं।
नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना गूगल अकाउंट कॉन्फिगर करेंगे तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, कोई भी लॉस नहीं होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डिस्प्ले प्रेफरेंसेस में आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में या व्हाट्सएप पे या गूगल अकाउंट में कितने कॉन्टैक्ट हैं। ये सबसे ईजी तरीका है पता करने का कि आपके फ़ोन पे कोई कॉन्टैक्ट रह गया है कि नहीं रह गया, या सिम पे कोई कॉन्टैक्ट रह गया है कि नहीं रह गया, जिसको कि आप अपने गूगल अकाउंट में डालना चाहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी ऐसे छोटे छोटे सिंपल वीडियो जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं या रेगुलर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो हम ज़रूर बनाएंगे।